दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये वीडियो बहुत ही खास है और इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। हो सके कि आपने बहुत सारी वीडियो आज तक मेरी स्किप करके देखी हो, पर ये वीडियो आपको स्किप करके नहीं देखना है। सेट इस सीक्वेंस का ना होना, इसके बारे में एक कंप्लीट में ट्यूटोरियल आज बना रहा हूँ और आज मैं पूरे तरीके से ये क्लियर करा दूंगा कि सेट इस सीक्वेंस ना होने के पीछे का कारण क्या है, और एक कारण है या फिर एक से अधिक कारण है, और अगर एक से अधिक कारण है तो वो कारण कहाँ कहाँ से आता है, ये गलती कहाँ से होती है कि सारे जो वीडियो क्लिप हैं हमारे बिन के अंदर सेट इस सीक्वेंस नहीं होते हैं। आज इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे और बारीकी से एक दूसरे से सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने बिन में उठाए हुए सारे वीडियो क्लिप को, जैसे कि 100, 150, 200, 500 या 1000 की संख्या में है, और हम एक बार राइट क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करके हम उसे सेट एज सीक्वेंस कर लें। बता दो दोस्तों कि ऐसा कोई भी आज तक एडिटर नहीं होगा जब से वो काम कर रहे हैं तब से सेट इस सीक्वेंस को लेकर के ना फंसे हों। अगर आपने भी कभी इस प्रॉब्लम को फेस किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं कि सेट इस सीक्वेंस ना होने के पीछे का कितना कारण है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों कि आज मैं किस फुटेज के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरे पास कुछ क्लिप पड़े हुए हैं और हम चले जाते हैं सबसे नीचे वाले फोल्डर में। इस फोल्डर के अंदर वीडियो क्लिप पड़ी हुई है। मैं आपको, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत सारी क्लिपें आपको डिस्प्ले पे शो हो रही होंगी। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये शादी की क्लिप है और इसी तरीके का क्लिप आपको आपके कस्टमर दे करके भी जाते हैं, जिसमें 400, 500, 700 या हजारों की संख्या में छोटे छोटे क्लिप होते हैं। आप क्या करते हैं, आप करते हैं ईडीएस को स्टार्ट, और ईडीएस को स्टार्ट करने के बाद इस सारे डेटा को अपने बिन के अंदर इंपोर्ट करके आप उसे राइट क्लिक करके सेट एज सीक्वेंस करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम भी वही चीज करके दोहराते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा भी मामला फंसता है या फिर हो जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैं चलाता हूं ईडीएस 10 लाइसेंस वर्जन, और आप चाहे ईडीएस 8 चला रहे हो, ईडीएस 9, ईडीएस 7 या फिर ईडीएस 10, सारे ईडीएस के वर्जन में काम करने का जो फंडामेंटल है वो सब एक जैसा ही होता है। चलिए हम यहां पे न्यू प्रीसेट पे क्लिक कर लेते हैं। न्यू प्रीसेट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फाइल ले लेते हैं 1920x1080 25p 16.98 बिट और 2 चैनल। ये लेने के बाद दोस्तों हम करते हैं यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल करके आपके ईडीएस का आ जाता होगा। अब क्या करते होंगे आप करते हैं बिन के अंदर डबल क्लिक। तो दोस्तों चले जाते हैं उसी फोल्डर में जहां से हमें डेटा उठाना है, और ये सामने क्लिप आप देख पा रहे होंगे। हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक को सिलेक्ट और यहां से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद ये हमारा सारा सेलेक्ट हो जाता है और हम सिंपली यहां से कर देते हैं ओपन। ओपन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये सारे क्लिप हमारे बिन के अंदर आ गए हैं, और बिन के अंदर आने के बाद ये सारे के सारे हाईलाइट हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके यहाँ पे सारे क्लिप को सेट एज सीक्वेंस करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि ये होता है या नहीं। तो चलिए करते हैं राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ जो सेट एज सीक्वेंस का जो ऑप्शन है ये हमारे यहाँ पे हाईलाइट हो ही नहीं रहा है। अब इसके ना हाईलाइट होने के पीछे का कारण क्या है, ये आपने भी बहुत बार फेस किया होगा। तो आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कि आने वाले समय में अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आपको YouTube पे फिर दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। सबसे पहले ये प्रॉब्लम आने के पीछे का जो कारण है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कारण आता है ये तब आता है जब किसी एक ही कैमरे से दो अलग अलग फॉर्मेट में या फिर दो अलग अलग फ्रेम साइज में किसी वीडियो को शूट कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपके पास 500 क्लिप किसी शादी का डेटा आपके पास किसी मेमोरी कार्ड में या फिर पेनड्राइव में आया हुआ है, लेकिन जिस कैमरामैन ने उनको शूट किया है उस शादी के फुटेज को, और अगर उन्होंने 500 क्लिप में अगर एक भी क्लिप 1280 या 720 पे अगर उन्होंने शूट कर दिया है, तो वो आपका राइट क्लिक करने के बाद सेट एज सीक्वेंस नहीं होगा।
मैं दोबारा फिर दोहरा देता हूँ कि अगर सारे क्लिप आपके फुल एचडी यानी कि 1920x1080 पे है, पर अगर एक भी क्लिप उसमें 1280 या 1440 या फिर 720 पे है, तो फिर आप उसे राइट क्लिक करके सेट एज सिक्वेंस नहीं कर पाएंगे। ये तो थी दोस्तों पहली बीमारी, और दूसरी बीमारी कहाँ से आती है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ कि अगर आपके पास 300-400 अगर क्लिपें आई हैं और सारा का सारा आपका फुल एचडी पे ही शूट है, फिर भी आपका राइट क्लिक करके आपका सेट एज सिक्वेंस नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर उसमें एक भी फुटेज जेपीजी है, यानी कि अगर वीडियो फाइल के अंदर फोटो घुसा हुआ है जेपीजी फाइल, तो भी आप राइट क्लिक करके उसको सेट एज सिक्वेंस नहीं कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कि जिस फुटेज को हमने उठाया हुआ है क्या वाकई में इस तरीके का कोई फुटेज या फिर कोई जेपीजी फाइल है क्या, और क्या उसको हटा देने के बाद ये राइट क्लिक करके सेट एज सिक्वेंस हो जाता है या फिर ऐसे ही इस वीडियो को बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि पता कैसे चलेगा दोस्तों कि इसमें 1280 का फाइल कौन सा है और 1920 का फाइल कौन सा है और 720 का फाइल कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये सरकाने का ऑप्शन है, यहाँ पे हर जगह से आप इसको सरका सकते हैं। तो हम कहाँ सरकाएंगे, तो समझ लेते हैं दोस्तों बिन के अंदर के फंक्शन को, तभी हम इसको क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्लिप नाम शो कर रहा है, यानी कि हमारे डेटा का जो नाम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके आगे शो कर रहा है कि क्लिप का जो कलर है, ये सारे डिफॉल्ट कलर में ही रखा गया है। उसके बाद क्लिप का टाइप क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टाइप लिख रहा है कि यहाँ वीडियो है या स्टिल फुटेज है वगैरह वगैरह, यहाँ पे आपका ये शो करेगा। उसके आगे लिखता है कि ये स्टार्ट टाइम कोड क्या है, यानी कि कहाँ से ये टाइम कोड स्टार्ट हो रहा है और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और ये इसका एक्सपेक्ट रेडियो है, यानी कि 16.9 पे इसको शूट किया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि हम इस फॉल्ट को कैसे पकड़ेंगे। यहाँ पे आप अपना कर्सर ले जा करके और जब इसको आप दाहिने तरफ सरकाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 1920x1080 यहाँ पे शो कर रहा है। हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारा इसमें कोई भी फुटेज 1280 या 1440 पे शूट है क्या। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे ये क्लिप हमारा 1920x1080 शो कर रहा है, पर इसके जस्ट नीचे ये क्लिप हमारा 1280x720 पे शूट किया गया है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ क्लिप दोस्तों यहाँ पे हमारा 1280 पे शूट है। उसके बाद फिर हमारा 1920x1080 है यहाँ तक, उसके बाद आप फिर देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक फिर 1280 शूट है। उसके बाद यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक 1920 है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ क्लिपें 1280x720 पे शूट है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम इसको छांट दें, 1280 अलग कर दें और 1920 का फाइल अगर हम अलग कर दें, तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। चलिए करके देखते हैं और सीखते हैं। बता दूं दोस्तों कि क्लिपें बहुत सारी हैं और इनको छांट पाना लगभग बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूं। जैसे कि आप अगर ये देख पा रहे हैं कि 1280 और 1920 का दोनों फाइल अगर सेम है, तो 1280 के सारे फाइल को आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि मैं डिलीट करके आपको दिखा देता हूं, 1280 के मैंने फाइलें डिलीट कर दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहां पे आप फिर देख पा रहे होंगे एक 1280 का क्लिप यहां पे, मैं इसे भी कर देता हूं डिलीट। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जितने भी इसमें 1280 के फ्रेम साइज पे शूट किया हुआ वीडियो था, मैंने सारा बिन के अंदर से डिलीट कर दिया हुआ है। बिन के अंदर से डिलीट कर देने का मतलब यह है दोस्तों कि जहां पे मैंने जिस फोल्डर से इसको उठाया हुआ था, उस फोल्डर में अभी भी इसका डेटा पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने बिन से डिलीट कर दिया तो ये कंप्यूटर के अंदर से डिलीट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा जहां मेन डेटा है वहां पे पड़ा हुआ है। अब हम करते हैं इसको राइट क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करते हैं, ऑल सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके सेट एज सिक्वेंस करने का प्रयास करते हैं, और देख पा रहे हैं कि अभी भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों ऊपर अभी भी इसमें जेपीजी फोटो पड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर जेपीजी फाइल एक भी रहेगा तो आपका सेट एज सिक्वेंस नहीं होगा। जेपीजी फाइल दोस्तों इस फुटेज के अंदर नहीं थी, मैंने जानबूझ करके इसमें पेस्ट किया हुआ है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि अगर एक भी जेपीजी है तो ये आपका सेट एज सिक्वेंस नहीं होने देगा। चलिए हम यहाँ पे जेपीजी फाइल को भी कर देते हैं डिलीट, और ऊपर हमारा एक सिक्वेंस है, सिक्वेंस को हम छोड़ करके आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे सेट एज सिक्वेंस का ऑप्शन हमारा हाईलाइट हो चुका है, और हम करते हैं इस पे क्लिक। क्लिक करने के साथ साथ हमारा पूरा डेटा एक सीक्वेंस में आ चुका है और हमारा टाइमलाइन पे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ऑडियो को कर देता हूं म्यूट और मैं आपको प्ले करके दिखा भी देता हूं।
आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा। बता दूं दोस्तों कि इंडिया से संबंधित ऐसे ही कंटेंट पे मैं वीडियो बनाता हूं, जिस कंटेंट के ऊपर पूरे यूट्यूब पे आपको वीडियो नहीं मिलती है। इंडिया पे मिक्सिंग करने वाले लोग जानते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इंडिया पे काम करना इतना आसान नहीं है। एडिटिंग करने वाली बहुत सी सॉफ्टवेयर है दोस्तों, लेकिन जितना क्रैश, जितना एरर और जितना प्रॉब्लम इंडिया के ऊपर है उतना दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर पे नहीं आता है। लेकिन एक बात और भी सच है दोस्तों कि जितनी आसानी से एडीएस के ऊपर काम हो जाता है और जितना कम पैसे में हम एडीएस का सेटअप लगवा सकते हैं उतना सस्ता दूसरा किसी भी कंपनी का कोई भी सेटअप हम नहीं लगवा सकते हैं। यही वजह है दोस्तों कि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर एडीएस के हैं। और आप 100 एडिटिंग वालों का अगर लिस्ट बनाए तो आपको लगभग 95 आदमी एडीएस पे एडिटिंग करने वाले मिलेंगे। तो आगे से आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आपकी क्लिप सेट इस सीक्वेंस ना हो तो आपको इस बात का ध्यान दे लेना है दोस्तों कि 1920x1080 के फाइल के साथ साथ अगर 1280 या 1440 का एक भी वीडियो फाइल है तो वो सेट इस सीक्वेंस नहीं होगा। और अगर उसके अंदर एक भी फोटो क्लिप यानी कि जेपीजी फाइल है तो भी वो राइट क्लिक करने पे आपका सेट इस सीक्वेंस नहीं होगा। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी दोस्तों, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपके द्वारा किए गए एक शेयर हो सके कि किसी की बहुत बड़े परेशानी का एक हल बन जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।